करोड़ों लोगों से आह्वान किया है कि 3 जून को घरों से बाहर निकले। जो राज्यों की राजधानी में आ सकते हैं वो राज्यों की राजधानी में आए, और दिल्ली के आस पड़ोस के लोग, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि का, मध्य प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब लोग दिल्ली में आए और घरों से बाहर निकल कर के विरोध दर्ज कराएं इस सरकार के नीतियों के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, काला धन लाने के लिए कोई काम नहीं कर रही, बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और काले धन वालों को बचाने के लिए सारा काम कर रही है। ये कहते हैं कि हमने तो 5,000-10,000 की परमिशन दी है, लोग कहाँ आएंगे? तो जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ गिरफ्तार करो, जहाँ मर्जी आपकी रोको। लोगों को लोकतंत्र में अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है, और लोकतंत्र में जितने अधिकार एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्राप्त हैं उतने ही एक आम नागरिक को प्राप्त हैं। अब अपने अधिकारों का उपयोग करके इस देश को देश का अधिकार दिलाना है, देश का हक दिलाना है, देश को न्याय दिलाना है, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की और विकास के लिए, काला धन लाने के लिए घरों से बाहर निकलना है लोगों को। तो मैं जितने भी इस आंदोलन के समर्थक हैं जो चाहते हैं कि देश का काला धन करीब 400 लाख करोड़ रुपये देश को वापस मिले, जिससे कि पूरे देश में खुशहाली आए, हिंदुओं को, मुसलमानों को, वाल्मीकियों को, दलितों को, सवर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों को, संपूर्ण हिंदुस्तानियों को, किसानों को, जवानों को, सबको अपना हक मिले। अब अलग अलग लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई जल की, कोई जंगल की, कोई ज़मीन की, कोई भू संपदाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग सवालों पर अलग अलग तरह के रोज़ यहाँ पर सत्याग्रह होते हैं, रोज़ यहाँ पर अनशन होते हैं। अब भाई एक ही साथ लड़ाई लड़ लो, ये भ्रष्टाचार से लड़ाई शुरू होगी, काले धन से लड़ाई शुरू होगी और भ्रष्ट परिवर्तन तक जाएगी। इसलिए ये बड़ी लड़ाई है और इसके पूरे होने से सबका हित अपने आप सधेगा। इसलिए जो चाहते हैं इस देश को न्याय दिलाना, देश के लोगों का हक दिलाना, ये आर्थिक और सामाजिक असंतुलन को मिटाना, कहाँ वो देश जो सदाचार में नंबर वन था वो भ्रष्टाचार में नंबर वन हो गया, कहाँ वो देश जो परम वैभवशाली था वो दरिद्रता के शिखर पर पहुँच गया, कहाँ वो देश जहाँ अश्वपति कहते थे कि मेरा आदर्श राज्य न मे सेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यप न नाना हिताग्र न स्वरी स्वरिणी को था, इतना ऊंचा देश था ये भारत जिसमें एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीता था, एक भी व्यक्ति चोर नहीं था। आज बड़ों में तो लोगों की जुबान पर एक जुमला आ गया है, 100 में से 99 बेईमान, कैसे कहो मेरा भारत महान। और नीचे के लोगों तक जब बात थी तब तक तो ठीक था, बात जब प्रधानमंत्री के ऊपर आ जाती है तो फिर लोकतंत्र में बसता क्या है? और आरोप कोई हम नहीं लगा रहे, कैग एक संवैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री संविधान का सबसे बड़ा पद है। अब देखना होगा कि इसमें से कौन सच्चा और कौन झूठा, ये तो देश के लोकतंत्र का सवाल आ गया है, ये छोटी बात नहीं है। अब इसको खाली मीडिया की बयानबाजी तक नहीं देखना चाहिए हमको, अब इसके हकीकत तक पहुंचना चाहिए हमको। तो अब 3 जून को लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लाखों लोग निकलेंगे। अब प्रश्न ये आता है इतने लोग समाएंगे कहाँ, इतने लोग प्रदर्शन करने के लिए आएंगे कहाँ? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, हाँ, लेकिन लोग अराजकता नहीं करेंगे, ये हम नैतिक रूप से और जिम्मेदारी के साथ लोगों से कह रहे हैं कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये नारे के साथ हम लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। हम अराजकता और अशांति करने के लिए नहीं आए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए हम लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए आह्वान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार सुनी नहीं रही है तो आह्वान तो करना ही पड़ेगा, और लोकतंत्र में उनका सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। जनता जब सड़कों पर आएगी तो संसद में बैठे जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा देश के बारे में। हम इतनी सी तो बात करें, भाई काले धन के 3 अड्डे, एक तो देश के बाहर, एक देश के अंदर और एक FDI, एक विदेश, एक देश, एक FDI, ये 3 काले धन के अड्डे हैं। इसकी चाबी क्या है? इसकी चाबी है FDI, काला धन जो बाहर इलीगल एसेट, इलीगल मनी के रूप में जमा है, और काला धन जो इलीगल एसेट, इलीगल मनी के रूप में देश में है, चाहे वो
माइनिंग में है, चाहे रियल स्टेट में है, चाहे लैंड में है, चाहे काला बाजार में है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे ड्रग्स में है, चाहे नक्सलवाद माओवाद में, और सबसे बड़ा काला धन है सोना में। करीब 1,00,000 टन सोना 300,00,000 करोड़ रुपये वहाँ निवेश कर रखा है। ये ब्लैक मनी तो है, ये ब्लॉक मनी भी है, उससे देश की कोई तरक्की भलाई विकास नहीं हो रहा है। ये एक FDI वाला बस खुलासा होने से आर्थिक पारदर्शिता आ जाएगी देश में और ये 400,00,000 करोड़ रुपये मिल जाएगा हमें।